बच्चों इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप यानी कि आपको एक लूप दिया हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और रेडियस आर है अगर इसके एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पर विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स यानी कि सेंटर से एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो बच्चों उसके लिए हम यहां पर दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे यहां पर एलिमेंट कंसीडर करेंगे ये रिंग आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन यानी कि जो भी पेपर का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है तो ये वाला पोर्शन आपका पेपर से बाहर आ रहा है ये वाला पोर्शन पेपर के अंदर जा रहा है तो अगर यहां पर हम छोटा सा पोर्शन कंसिडर करते हैं तो यहां का DL जो लेंथ होगा वो दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ये प्लेन से बाहर आ रहा होगा और इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट अगर पॉइंट कंसिडर करें तो यहां पर DL जो हो लेंथ होगा वो प्लेन के अंदर जा रहा होगा तो यहां पर आप देखेंगे कि डीएल पोर्शन प्लेन के बाहर आ रहा है तो ये आपका डीएल वेक्टर हो जाएगा आई आपको गिवेन है तो लॉ से इस पॉइंट पर देखेंगे दिस विल बी योर आर यानी कि डिस्टेंस होगा तो जब भी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कि डीबी बायोसवर्ट लॉ से आप डी एट पी विल बी म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर ओवर आर क्यू इस फॉर्म को लिखेंगे तो आप देखेंगे आर में और डीएल में 90 डिग्री का है क्योंकि जो r वेक्टर है वो आपका पेपर के प्लेन में है और dl वेक्टर इज कमिंग आउट तो ये 90 डिग्री होगा तो यहां पर आपका 90 डिग्री आने के बाद μ0i 4π dl r sin 90 1 हो जाएगा r³ r³ को r कैंसिल हो जाएगा r² तो ये फॉर्म आएगा आपका ये फॉर्म आएगा और

तो यहां पर ये परपेंडिकुलर लाइन है दिस इज 90 माइनस थीटा दिस इज 90 माइनस थीटा और आप देखेंगे कि आर वेक्टर में और बी वेक्टर में भी 90 का एंगल है तो दिस इज 90 ये थीटा एंगल होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये टोटल एंगल 90 है तो आपको ये रिमेनिंग एंगल थीटा मिल जाएगा सिमिलरली आप अगर नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो यहां पर भी डीएल वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा होगा ये आर वेक्टर होगा डी डीएल क्रॉस आर करेंगे तो आपका बी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा आया अब देखो डीएल इन टू प्लेन है तो बी वेक्टर भी इन द प्लेन आएगा विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड डीएल बोथ क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर तो इसे हम बोलते हैं कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए nc वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b यानी कि c इज आउट ऑफ द प्लेन c का जो प्लेन होगा वो ab के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर dl वेक्टर अंदर है ये r वेक्टर है तो इनका प्लेन जो होगा उससे परपेंडिकुलर इस प्लेन में होगा, यानी कि दोनों से परपेंडिकुलर आता है तो अब आप देखेंगे कि आपके पास एक db इधर आया है db इधर आया है इनके अगर cos कंपोनेंट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि साइन कॉम्पोनेंट अप होंगे तो वी कैन से ये होगा 2b बी साइन थीटा तो टोटल क्या होगा इंटीग्रल ऑफ 2b बी साइन थीटा आप इसको डी बी लिख सकते हैं यू कैन राइट इट एज डी बी यहां पर डी बी होगा दिस इज डी बी स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर आएगा आपका टू डी थीटा इस डायरेक्शन में आएगा यानी कि दोनों के कॉम्पोनेंट इधर ऐड हो जाएंगे और इधर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे क्योंकि वेक्टर है ये कैंसिल हो जाएगी तो अब हमें टोटल निकालना है, is, इंटीग्रल थीटा. ऐसे निकाल टू डीबी यानी कि जब भी, भी हम ये कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट भी कंसीडर कर रहे हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके बाद हम टू टाइम्स डीबी को आप लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर ओवर फोर पाई और आर स्क्वायर को आप लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपका आर हो जाएगा स्मॉल आर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू यू कैन राइट आर ओवर दैट दूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे अब यू विल सी यहां पर सारी चीज कॉन्स्टेंट है बस डीएल इज डीएल आप डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे ही हम हाफ पोर्शन ऑफ द रिंग कंसीडर करेंगे तो यहां पर सारे पॉइंट यहां पर भी आ गए क्योंकि ये हमने पॉइंट टू लिया है तो डीएल को इंटीग्रेट करके तो डीबी में आप इंटीग्रेट करेंगे डीएल को यू विल राइट म्यू टू म्यू नॉट आर आई इंटू आर फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू और डीएल को इंटीग्रेट करके आपको पाई आर आ जाएगा ये आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेट अल्टीमेटली आपको बी का एक्सप्रेशन जो आने वाला है

अगर आपको यहां इधर से देखने में ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा यानी कि अगर यहां से देखा जाए यहां से देखा जाए तो करंट आपको एंटीक्लॉकवाइज दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर आता हुआ नजर आएगा इस डायरेक्शन में होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू आप जीरो रख दें, एक्स की वैल्यू इफ यू कंसिडर एक्स टू बी जीरो यानी कि अगर x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाती है म्यू नॉट आई देन टू आर स्क्वा ओवर आर क्यूब ये हो जाएगी इनफैक्ट आपको b एट सेंटर मिल जाएगा यहां से म्यू नोट आई बाई टू आर तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले से आप लूप के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह बच्चों याद होना चाहिए कि अगर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कितना होना चाहिए दैट इज म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर ओवर टू आर स्कवायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दावर थ्री बाई टू अब बच्चों अगर इसका ग्राफ बनाना हुआ दिस ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आए ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो दिस वुड बी मैक्सिमम एट द सेंटर यानी कि ये जीरो होगा तो ये टर्म पूरा मैक्सिमम होगा और इन्फिनिटी पर ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा जी जीरो को टेंड करेगा यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें यहां पर अगर इसका ग्राफ देखें तो आप देखेंगे अगर ये इस पॉइंट को सेंटर मानते हैं यानी कि एक्स इक्व टू तो जीरो वाई एक्सिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड करते हैं तो आपको एक्स इक्व टू तो जीरो पर ये मिलेगा आपको म्यू नॉट आई बाई टू आर और ये डिक्रीज होगा इस तरह से डिक्रीज होगा आप देखेंगे इस तरह से इंफिनिटी पर जाने में इट विल टेंड्स टू जीरो सो द मैक्सिम एक्स इक्वल्स टू जीरो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ आ जाएगा फॉर ए सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेज ऑफ अ लूप पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया है जेई मेंस में क्वेश्चन में दिया हुआ है अ हेल्महोल्स कॉइल हैज ए पेयर ऑफ लूप्स ईच विद एन टर्न्स एंड रेडियस आर दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस आर एट द सेम करंट आई फ्लोज लूप इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मिडवे बिटवीन द सेंटर ऑफ ए एंड सी इज गिवन बाय रेफर टू द फिगर यहाँ पर कुछ फिगर बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है तो ये लूप कुछ ऐसे होंगे यानी कि ये आपको ए और सी दे रखे दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सी इनके मिड पॉइंट मिड में एक पॉइंट है जिसको हम कॉल करेंगे पी वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अब आप देखेंगे दिस इज एट ए आर बाई टू डिस्टेंस एंड दिस इज एट ए आर बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी होने वाला है और इसकी वजह से भी होने वाला है अब दोनों का डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द सेम डायरेक्शन तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगा अगर आप इसकी वजह से भी देखें तो यहां पर इस डायरेक्शन में आएगा और इसकी वजह से भी देखें तो भी इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा तो हम एक का निकाल के सीधा टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि टू म्यू नॉट और एन लूप्स हैं तो आप करंट को एन आई लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ओके डिवाइड बाय टू और डिनोमिनेटर में आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू वेयर आप एक्स की वैल्यू लिखने वाले हैं आर बाई टू एक्स की वैल्यू आर रिप्लेस करके यू विल गेट म्यू बी एट पी इज टू टू कैंसिल हो जाएगा आपका ये टू कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर और आप देखेंगे इसको आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई फोर होल टू द पावर थ्री बाई टू फर्दर यू कैन सॉल्व इट म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर और इसको आप लिखेंगे फाइव बाई फोर की पावर थ्री बाई टू इन टू आर की पावर थ्री आर स्क्वायर विल कैंसल आउट फोर की पावर थ्री बाई टू आपको एट मिलने वाला है देन यू विल गेट एट मू नॉट एन आई वो बाई फाइव टू दावर थ्री बाई टू इन टू आर दिस वुड बी योर आंसर और आप आंसर को देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा इसमें हमने दोनों कॉइल्स के मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला By putting x equals to r by 2. Next question mein diya hua hai two long parallel wires are at a distance of 2d apart. They carry steady equal current flowing out of the plane of the paper. The variation of magnetic field along x x dash is given by. तो so यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दो वायर दिए हुए हैं long wire they are coming out of the plane. तो आप दो वायर को कुछ ऐसे बना लेंगे. यहां पर देखा गया है कि अगर आप देखें आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से कुछ ऐसी होंगी विल बी इन दिस डायरेक्शन और इसकी वजह से कुछ ऐसी विल बी इन दिस डायरेक्शन यानी कि दोनों वायर के बीच में इनका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एट द मिड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने नेगेटिव में प्लॉट करना है और अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव में प्लॉट करना है ये दो वायर है आपके तो जैसे ही हम इसके पास होंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होगा बट आप देखेंगे कि जिस वायर के पास होंगे वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यूनोट आई बाई फोर पाई डी इस तरह से होता है इनटू टू टू यानी कि लॉन्ग वायर का होता है टू पाई डी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है और डी यहां पर बहुत ही कम होगा जिस वायर के पास होंगे तो इसमें जो भी जिस वायर के नियरर होंगे उसका डायरेक्शन डोमिनेट करेगा तो यानी कि इसकी वजह से आपका नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और d टेंस टू जीरो पर ये इंफिनिटी को टेंड करेगा यानी कि इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है आप इसके करीब देखेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है इस तरह से होगा तो आप बिटवीन द वायर्स कुछ इस तरह से आपका स्लोप होगा इसके राइट right में अगर बात करें तो पॉजिटिव में होगा और इसकी वजह से भी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगा टेंड्स टू इंफिनिटी क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी में यह को टेंड करेगा और ये जीरो की तरफ इस तरह जाएगा तो ये कुछ इस तरह होगा इसके लेफ्ट प्रॉक्सिमिटी में हम बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा क्योंकि डी टेंड्स टू आपका जीरो होगा और इसकी वजह से भी डाउनवर्ड होगा इसको हम नेगेटिव इन्फिनिटी पर प्लॉट करेंगे एंड इट विल टेंड्स टू जीरो तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है यानी कि इन दोनों यहां पर जीरो होगा यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और जैसे जैसे हम दूसरे वायर के करीब जाएंगे तो नेगेटिव जाएगा तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ अब वायर ए बेंट इन द शेप ऑफ एन रेडियस फोर सेंटीमीटर आर प्लेसड शोन इन दिगर यहां पर ये बी वायर है और आप देखेंगे ये एंगल सिक्सटी डिग्री है ए वायर है और यहां पर डिग्री है तो आप देख सकते हैं ये एंगल आपको 300 डिग्री मिलेगा और ये एंगल आपको 270 डिग्री मिलेगा अब करंट इन वायर ए एंड बी डिफरेंट है टू एम पी और थ्री एम पी तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए रखना है आप इसको क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर्स एट द कॉमन सेंटर ओ ओ पर दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वील सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इट वाज आस्क्ड इन 2012 क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर। ये कंडक्टिंग डिस्क नहीं है डिस्क रोटेट्स अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी कि इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया और इसमें दिया हुआ है

ग्राफ देखेंगे यहां चार ऑप्शन दे रखे आपको बी और आर का रिलेशन निकालना है बी और आर के रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कि की यहां पर एक टोटल आर डिस्टेंस पर यानी कि एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर ये थिकनेस आपकी हो जाएगी डी आर और डी आर के अंदर आपका चार्ज हो जाएगा डी क्यू जिसको आप लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा सिग्मा इज क्यू अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय टू पाई आर इनटू डी आर ये लिखेंगे अगर इसके अंदर डी क्यू चार्ज है तो आपका सेंटर पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको डी डी क्यू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू क्यू ओमेगा आर Q into v आता और वी को हम क्या लिखेंगे ओमेगा इंटू स्म ओमेगा इंटू q की जगह आप DQ रखेंगे, r से cancel हो जाएगा क्योंकि हमने ड्यू टू रोटेशन हमने बोला था कि बी विल बी म्यू नॉट इंटू क्यू इंटू वी बाई फोर बाई आर स्क्वायर ये था क्योंकि हमने Q into V को IDL से रिप्लेस किया था That was, तो आपका ये एक्सप्रेशन है यहां पर Q dQ रख देंगे और V को मेगा R रख देंगे R R से हो जाएगा ये सो अगेन so आप dQ की वैल्यू क्या रखेंगे सिग्मा mu naught by फोर pi आपका constant है आप dQ को रखेंगे टू pi सिग्मा R dR और डिनोमीटर में आपका आर आएगा ये so, कैंसिल हो जाएगा सो इस फॉर्मूले को फर्दर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट डी बी इक्वल टू म्यू नॉट फोर पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा सिग्मा इनटू टू डी टू पाई कैंसिल हो जाएगा आप टू पाई को कैंसिल फोर पाई रहने दे। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वी इज म्यू नॉट इन टू पाई इंटू पाई सिग्मा इंटू आर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लेकिन हमको एक्सप्रेशन हाँ इसमें ओमेगा भी आएगा आपका विल बी ओमेगा एस वाई यहाँ पर ओमेगा भी रहेगा मल्टीप्लाइड ओमेगा ओमेगा आप देखेंगे हम क्यू को एक्सप्रेशन लिखना है तो क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर तो आप अगर यहाँ पर आर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलता है म्यू नॉट इंटू ओमेगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर टू पाई तो दिस विल बी योर क्यू तो आपका क्यू और ओमेगा कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई टू पाई कांस्टेंट है आप देखेंगे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास ये रिलेशन आने के बाद तो आप देखेंगे इजिली यू विल गेट दिस इक्वेशन यानी कि ये आपका ग्राफ होगा b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r यानी कि r टेंड्स टू जीरो पर b की वैल्यू इंफिनिटी जाएगी और r टेंड्स टू इन्फिनिटी पर b की वैल्यू जीरो जाने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ अ करंट i फ्लोज इन एन इंफाइनिटली लॉन्ग वायर विथ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r मैग्निट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एड अलोंग इट्स एक्सिस यानी कि ये वायर है जिसका क्रॉस एक्शन कैसा है सेमी सर्कुलर रिंग इसमें करंट जा रहा है विच इज गोइंगउट ऑफ द कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और ये इनफाइनेट है आप ये देखेंगे इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह से होगा और ये इनफाइनेटली लॉन्ग है यानी कि पेपर के प्लेन से जो स्क्रीन से बाहर है वो परपेंडिकुलर ही आ रहा है और स्क्रीन के अंदर भी परपेंडिकुलर जा रहा है करंट का डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन अगर इस सिचुएशन में आपका और ये टोटल करंट है आपका आई इस सिचुएशन में आपको दिया हुआ है और पूछा हुआ है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर जहां पर आपका रेडियस आप जो कंसीडर करेंगे दैट इज कैपिटल तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप यानी कि छोटा सा एक पोर्शन कंसीडर करेंगे से दिस दिस एंगल एंगल फ्रॉम और यहां पर आर डी थीटा डी थी डी थीटा थिकनेस कवर ये थिकनेस कंसीडर करेंगे और ये एलिमेंट होगा आपका आर इंटू डी थीटा इसके अंदर आपका करंट होगा डी आई आप डी आई को लिख सकते हैं डी आई को लिख सकते हैं डी आई विल बी करंट पर यूनिट लेंथ यानी कि आई बाई पाई आर इंटू लेंथ यानी कि आर डी थीटा सो डी आई विल बी आई बाई पाई इंटू डी थीटा इस तरह से डी आई हो जाएगा अब डी आई की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ये डी आई में करंट बाहर आ रहा है और ये आपका आर वेक्टर होगा सो so, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखें तो इस डायरेक्शन में आपका कर्ल होगा यानी कि बी की डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट देखें डीएल डीएल कहा होगा आपका आउट ऑफ द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन होगा आर वेक्टर ये है तो so, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये डी बी आएगा दिस इज db, डी बी so, आप देखेंगे दिस इज 90 माइनस थीटा यानी कि ये एंगल 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर से देखेंगे यू विल गेट थीटा ओके ऐसा ही एक पोर्शन आप कंसीडर करें इधर होगा यानी कि इसका दो कॉम्पोनेंट होंगे आप देखेंगे आप इसके दो कॉम्पोनेंट कर सकते हैं लेट से दिस इज y डायरेक्शन दिस इज एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में Dbx will be db into sine theta. Okay, and total b into x will be integral of db zero to pi, and by will be dby, and which is db into cos theta integral. तो आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो डी बी की वैल्यू आप लिखेंगे म्यू नॉट इंटू डी आई और यहां पर हो जाएगा फोर पाई यानी कि इंफाइनेटली लॉन्ग वायर है इंफिनेटली लॉन्ग वायर की वजह से हम ले सकते हैं टू पाई इंटू डी और डी की वैल्यू होगी आर क्योंकि इंफिनेटली लॉन्ग वायर की वजह से हमारा जो बी आता है दैट इज म्यू नॉट आई ओवर टू पाई डी ये इन्फिनेटली लॉन्ग वायर की वजह से आता है जब वायर से डिस्टेंस डी होता है पॉइंट पी सो यहाँ पर आपका डी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और करंट को हम डी लिखेंगे डी को यहाँ से रिप्लेस करेंगे यू विल गेट म्यू नॉट आई ओवर पाई इन टू पाई आर और यहाँ पर साइन थीटा भी टर्म आएगा साइन थीटा तो यहाँ पर साइन थीटा और इन डी थीटा इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू पाइव में जीरो टू पाइव में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको साइन थीटा थीटा डी आप साइन थीटा डी थीटा को जीरो टू में इंटीग्रेट करें तो साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाइव आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन माइनस वन दू यानी कि इसकी वैल्यू टू आने वाली है So, आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट आई टू से टू कैंसिल हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर इस तरह से ये एक्सप्रेशन आएगा और अगर आप बी वाई को कंसीडर करें डी बी इंटू कॉस थीटा तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट आई ओवर टू पाई स्क्वायर इंटू आर वेयर कॉस थीटा डी थीटा आप इंटीग्रेट करेंगे और इसको जीरो टू पाई कॉस थीटा डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा को हम इंटीग्रेट करें जीरो टू पाई तो आपका इंटीग्रल होगा साइन थीटा जीरो टू पाई विच विल बी जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो तो आपका वाई डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा और एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा म्यू नॉट आई बाई यानी कि इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है म्यू नोट आई बाई आर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन यानी कि हमें रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है जिसकी एन साइड है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो लेट से इट इज वन ऑफ द साइड जिसको आप ए बोल सकते हैं और सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम आर कंसिडर कर रहे हैं से कैपिटल के टर्म्स में निकाल सकते हैं सो so, अगर इसकी एन साइड है तो ये एंगल क्या होगा इस एंगल विल बी टू पाई बाई एन क्योंकि एन साइड में ये एंगल पूरा एन साइडेड में डिवाइड होगा यानी कि एन सेगमेंट्स होंगे टू पाई एंगल के तो एक एंगल ये पूरा एंगल होगा आपका टू पाई बाई एन इसको अगर आप हाफ डिवाइड कर दें तो दोनों साइड में ये एंगल आएगा आपका पाई बाई एन एंड पाई बाई एन इस तरह से आपका एक ट्राइंगल बन तो यहाँ पर ये डिस्टेंस अगर आपका आर है और यहां पर एन साइड पॉलीगन है लेट्स कंसीडर कि यहां पर करंट आई फ्लो हो रहा है आई फ्लो होता है आई करंट फ्लो होगा तो हम इस सेगमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते मैग्नेटिक so, फील्ड जिसको हम बोल सकते हैं डी बी कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट इन टू आई और यहां पर हम लिख सकते हैं फोर पाई आर फोर पाई डी की जगह आपका डिस्टेंस हो जाएगा आर और ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा वन प्लस थीटा टू यानी कि साइन साइन पाई पाई एन एंड इस तरह से हो जाएगा आप टोटल बी निकालना चाहें तो आप सब एन साइडेड का आप ऐड करेंगे तो आपका एन टाइम्स हो जाएगा यानी कि म्यू नॉट आई इन एन टाइम्स फोर पाई आर इंटू टू टाइम्स साइन पाई बाई एन आप इसको सॉल्व करेंगे आप b म्यू नॉट i इंटू एन टू कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टू आर इंटू पाई साइन पाई बाई एन इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा आप इसको ऐसे भी कुछ याद कर सकते हैं म्यू नॉट आई बाई टू आर साइन पाई बाई एन ओवर पाई बाई एन आप एन को डिनोमिनेटर में नीचे लाएं तो ये कुछ वन बाई एन बन के आएगा तो इस तरह से ये होगा और आप देख सकते हैं अगर आपकी एन टेंटी हो तो पॉलीगन आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्कल में पॉलीगन विल कन्वर्ट इनटू सर्कल तो एन टेंस टू इनफिनिटी पर तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट आई बाई टू आर लिमिट आपकी क्या रहेगी एन टेंस टू इंफिनिटी एन टेंस टू इंफिनिटी पे आप देखेंगे दिस इज़ ओवर तो आप देख सकते हैं इसको आप साइन एक्स अपॉन एक्स बोल सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो पाई बाई एन विल टेंस टू जीरो एंड दिस टर्म टेंड्स टू जीरो और ये लिमिट यानी कि साइन एक्स ओवर एक्स और x टेंड्स टू जीरो पर हमने ये पढ़ा था साइन x इज इफ x इज वेरी स्मॉल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं sin x over x x अगर ये x tends to zero है तो यहाँ पर हम साइन x ओवर x को वन बोल सकते हैं और आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई टू आर विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल सर्कुलर लूप के इक्वल ही आ जाएगा सो योर एक्सप्रेशन फॉर द पॉलीगन विल बी दिस एन टर्म्स में आप लिख सकते हैं इसको यू कैन डेराइव यू कैन पुट यू कैन डेराइव इट फॉर हेक्सागन, ट्राइंगल और आपका कोई भी एन साइडेड पॉलीगन हो इट विल होल्ड फॉर एवरी एन